सर इसका कारण यह है कि वहाँ के प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। मेरी मम्मा की भी डेथ हो चुकी थी, 14 तारीख को हुई थी डेथ, और वहाँ पर हमारे सर ने मतलब बात भी की थी थाने में जाकर परमिशन के लिए, और उन्होंने हमें कोई भी परमिशन नहीं दी गई। मेरी मम्मा का चौथा भी निकल गया और आज तक हमें परमिशन नहीं दी गई थी। ये लॉकडाउन तो हुआ है, पूरी पब्लिक जो है इंडिया की, भारत की और मेरे पंजाब की साथ दे रही है, लेकिन प्रशासन पब्लिक का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं अपनी इसी जेब से होशियारपुर के डीसी की और होशियारपुर के एसएसपी की प्रशंसा करता, अगर जो इन हैंडीकैप्ड बच्चे को इसके घर में पहुँचा देते अपने सरकारी मशीनरी से। जिथे पूरे देश लॉकडाउन के चलदिया सारे ही अपने अपने घर बैठे हुए ने, पर देश के दे बहुत सारे व्यक्ति अजिहे भी ने जो कि अपनी रोजी रोटी कमाउन दे लई वख-वख सूबियां च फसे हुए ने, पर जेकर किसी नूं कोई जरूरी काम होवे तां उसका पास बना दिता जाता है। पर स्क्रीन ते चल रही तस्वीरां तुसीं साफ देख सकते हो कि हैंडीकैप एक नौजवान जिसनों चलना फिरना भी औखा है, जो कि अपनी माता के देहांत की खबर सुन के रह ना सकिया अते बिना करफ्यू पास तो हिमाचल तो पैदल ही अमृतसर वल तुरन लग पिया। पर जदों ही ये नौजवान पंजाब च दाखिल होया तां लोक इंसाफ पार्टी के आगू चरणजीत सिंह भिंडर ने इस नौजवान नूं जलंधर तो ब्यास तक पहुँचाया। इस मौके पर लोक इंसाफ पार्टी के आगू और पीड़ित नौजवान ने पंजाब सरकार से आरोप लगाए कि सरकार के वलों करफ्यू पास ना मिलन और पीड़ित अंगहीन नौजवान नूं किसी प्रकार की कोई सहायता ना मिलन करके वह अपनी माता के अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकया। मेरा नाम बलजीत सिंह है। बलजीत सिंह जी, आप हैंडीकैप हैं, आपकी जो टांग है काम नहीं करती, लेकिन आप फिर भी लॉकडाउन के दौरान पैदल चलकर ऊना से पंजाब में आए हैं, क्या कारण है इसका? सर इसका कारण यह है कि वहाँ के प्रशासन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की। मेरी मम्मा की भी डेथ हो चुकी थी, 14 तारीख को हुई थी डेथ, और वहाँ पर हमारे सर ने मतलब बात भी की थी थाने में जाकर परमिशन के लिए, और उन्होंने हमें कोई भी परमिशन नहीं दी गई। मेरी मम्मा का चौथा भी निकल गया और आज तक हमें परमिशन नहीं दी गई थी। वहाँ आप क्या काम करते थे? वहाँ पर हम मतलब ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट कंपनी है, वहाँ पर हम जैविक खाद का काम करते थे। कितनी देर से वहाँ पर काम कर रहे थे? वहाँ पर जनवरी मंथ में गए थे। और जब आप वापस आए तो आपको कोई खर्चा वगैरह दिया आपकी कंपनी ने या नहीं? हाँ नहीं, कहने का मतलब कंपनी में अभी थोड़ा लॉस चल रहा था, इसलिए उन्होंने खर्चा वर्चा उनके पास नहीं था, इसलिए दे नहीं पाए। तो आप वहाँ से किस साधन से आए हैं? हाँ, साधन वहाँ पर कोई नहीं, प्रशासन की ओर से हमें दिया गया, हम चल कर आए हैं। ऊने से यहाँ से ऊने से होशियारपुर तक। अच्छा, हाँ जी। तो होशियारपुर से आगे कैसे आए? होशियारपुर से हमारी हेल्प की गई और हम सब्जी की गाड़ी में आए। तो जलंधर से आगे आप कैसे आए? हाँ जी, जलंधर की गाड़ी, जलंधर से आगे हमारे सर मतलब सिमरजीत जो बहन्स हैं उनसे बात हुई थी, उनके द्वारा हम यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा जी। तो कोई आपको प्रशासन ने कोई आपको आते समय कोई खर्चा वगैरह नहीं दिया कि राशन खाना खा लेना या कैसे आए? सुबह कब से चले हैं आप? सुबह हम 6 बजे से चले और शाम को होशियारपुर पहुँचे थे, शाम 5 बजे तक। हाँ जी। आपने खाना वगैरह खाया? 9 बज गए रात के। हैं? नो सर, अभी मतलब उन्होंने खाना हमें मतलब अभी खाया है खाना, और भी ब्यास वालों ने मतलब खिलाया। ठीक है जी। ये जो दोस्त आपके साथ में आए हैं, ये क्या करने हैं? आपकी सपोर्ट करने के लिए आए साथ में? जी सर, वहाँ पर कहने का मतलब कि मैं अकेला तो आ नहीं सकता है, मेरी सपोर्ट के लिए मेरे साथ आए थे। आपके साथ में कोई एक और व्यक्ति भी था जो हैंडीकैप था? हाँ जी, वो हैंडीकैप था, वो होशियारपुर का था, उसे फिर वहीं पर मतलब उनकी हेल्प की गई तो उन्हें पहुँचाया गया उनके घर में। चला गया वो व्यक्ति? हाँ जी, चला गया। मैं आपके माध्यम से जो भारत सरकार और पंजाब सरकार का प्रशासन है उनसे उनके पास ये अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि लॉकडाउन तो हुआ है, पूरी पब्लिक जो है इंडिया की, भारत की और मेरे पंजाब की साथ दे रही है, लेकिन प्रशासन पब्लिक का साथ बिल्कुल नहीं दे रहा। इस संकट की घड़ी में भी ये देखो, जो बच्चे की माता की मौत हो गई 5-6 दिन पहले, इस संकट की घड़ी में भी ऊना प्रशासन ने इनको पास जारी नहीं किया। चलो, हमारे सिमरजीत सिंह बैंस से इन्होंने कॉल की, हमने वहाँ से इनको सुबह इनकी फैक्ट्री के मालिक के साथ ही बात की, तो वहाँ से जे देखो पैदल चलकर होशियारपुर में पहुँचे हैं। होशियारपुर डीसी से हमारी बात हुई दोपहर को 1-2 बजे, एसएसपी साहब से बात हुई दोपहर 1-2 बजे होशियारपुर के, उन्होंने पूरा हमें आश्वासन दिया कि हमारा जो प्रशासन है वो कोई जहाँ से गाड़ी लेकर इसे इनको घर पहुँचा देगा। उनके बाद जो उनके जूनियर हैं, जो उनका स्टाफ है, उनके साथ में पूरे दिन में 10 बार मैंने कॉल की,
और 10 बारी वो कहते रहे कि बस जाने लगे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी जाएगी आएगी जाएगी, ऐसे करते करते जेकर उन्होंने गाड़ी दिलाई भी इनको तो वो क्या कौन सी गाड़ी, एक सब्जी वाली गाड़ी में बैठा दिया। आज इन्हीं मैं जीप से मैं अपनी इसी जेब से हुशियारपुर के डीसी की और हुशियारपुर के एसएसपी की प्रशंसा करता अगर जो इन हैंडीकैप्ड बच्चे को इसके घर में पहुँचा देते अपने सरकारी मशीनरी से, पर नहीं, उन्होंने एक सब्जी वाली गाड़ी में बैठा दिया उनके जूनियर ने। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने बात सुनी लेकिन पूरा अमल नहीं किया। और जे जलंधर तक जो बिधीपुर फाटक है वहाँ जे 8 बजे पहुँचे, 8 बजे फिर इन्होंने बैंस साहब से बात की और बैंस साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप कुछ मीडिया में भी ये बात लाओ और आप अपनी गाड़ी लेकर वहाँ लेके आओ। मैं इनको लेके आया कि वो जहाँ ये खबर नशर करने के लिए पहुँचे हैं और अपनी गाड़ी लेकर वो जहाँ से इनको ले जाने के लिए भी तैयार हैं कि हम अपनी गाड़ी में चाहे कितनी बड़ी जंग है, कितनी बड़ी लाइफ की रिस्क है, इस रिस्क में भी जो आप जहाँ पहुँचे हो मैं आपका भी बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ। ये तो परमात्मा का शुक्र है, जिस भगवान को मानते हैं उसको दिहाते हैं। मैं जिनसे गाड़ी में बात कर रहा था कहते हम तो अपने भगवान को दिहाते हैं, देखो पहाड़ी रास्ता भी है उन्हें से हुशियारपुर आने का, किसी ने कोई खाना नहीं पिलाया, किसी ने कोई चाय नहीं पिलाई, इससे और बद इंतजामी जो भारत सरकार और पंजाब सरकार की क्या कहें। जे जो सरकारों के नुमाइंदे हैं चाहे CM हैं MP मेंबर पार्लियामेंट हैं, जे तो अखबारों में और TV स्क्रीन पर आके ही जे सब बोल रहे हैं, वरना ग्राउंड लेवल पर जो भी है और भी बहुत सारी धारणें हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन बहुत बुरा हाल है, प्रशासन का हाथ खड़े हैं। सो सरकार नू चाहिदा है कि जेकर अजिहे व्यक्ति जो कि पंजाब तो बाहरले राज्य च फसे हुए ने जां किसे नू कोई जरूरी काम है तो उन्होंने पास जारी किए जाण, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पंजाब पुलिस के कुछ मुलाजमान के वलों लोगों नाल कीती गई मार कुटाई के वीडियो सामने आने तो बाद आम व्यक्ति घर तो बाहर आने तो डरता है, इसी डर करके कोई व्यक्ति किसी की मदद नहीं करता। एवन पंजाबी TV लिए अमृतसर तो सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं अपने ये मोढ़िया से गोढ़िया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया सी मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुम भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक के इलाज कर सकता है, फी रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैनू बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फी रिलीफ वाले दसिया, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैनू तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का तुसी सामना कर रहे हो तो यह तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीव जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगान नाल मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया, तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वो भी मैं बड़ा रिलीफ मिले। ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।